नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। T20 विश्व कप में सुपर 12 के लिए जिस टीम ने सबसे पहले अपनी जगह पक्की की है वो है स्कॉटलैंड, जिन्होंने अपने जबरदस्त खेल से सभी को हैरान कर दिया है। स्कॉटलैंड ने ग्रुप बी में टॉप करते हुए सुपर 12 की बी टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब उनका मुकाबला 5 नवंबर को भारत के साथ होना है। भले ही स्कॉटलैंड ने इस साल सभी की उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, मगर फिर भी सुपर 12 में उनका सफ़र आसान नहीं होने वाला है। मगर इस बार स्कॉटलैंड की पूरी टीम आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्कॉटलैंड के गेंदबाज मार्क वॉट ने 5 नवंबर को होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली को चेतावनी दे डाली है। मार्क वॉट ने यह दावा किया है कि वो मुकाबले वाले दिन विराट कोहली का विकेट निकालेंगे, जिसके लिए उन्होंने रणनीति भी बना ली है। मार्क वॉट ने भले ही क्वालिफायर मुकाबले में सिर्फ 3 ही विकेट लिए हो, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मैच में बाएं हाथ के स्पिनर मार्क वॉट टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को निशाना बनाना चाहते हैं। दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों और खिलाड़ियों के साथ खेलने को बेताब मार्क वॉट के एजेंडे में विराट कोहली का विकेट शामिल है। इस बारे में बात करते हुए मार्क वॉट ने कहा, मैंने विराट कोहली को आउट करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। मैं इस समय उनको लेकर चुप रहने वाला हूँ। मेरा मानना है कि विराट को चिंतित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जब आप बड़े सितारों के खिलाफ मैच खेलते हैं, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ टीम के आगे चुनौती देना चाहते हैं, मगर अब ये मैच के दिन ही पता चलेगा कि विराट कोहली को दी गई चुनौती का क्या परिणाम निकलता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।